उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी कल वाली वीडियो पसंद आई होगी। और आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए जिसमें हम आपको अपनी अवेलेबल दिखाएंगे डायमंड फाइटर की। इसमें हमने डायमंड फाइटर के पेयर रखे हैं और उसमें हमारे को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनकी आपस में। वो एक दूसरे की नेस्टिंग मतलब वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, दूसरे को नेस्टिंग ख़राब कर रहे हैं। तो अब हमने ये कर रहे हैं हम लोग के उन वहाँ से उस अवेलेबल में से डायमंड फाइटर को निकाल के उनको सिंगल सिंगल पेयरिंग कर रहे हैं ताकि ये फिर एक दूसरे की जो नेस्टिंग खींचना और जिस तरह की हमारे को प्रॉब्लम आ रही है ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो चले आज हम आपको दिखाते हैं अपने डायमंड फाइटर की अवेरी और उसमें से हम किस तरह उनको निकाल के उनके। तो व्यूअर्स हम अपनी इस अवेरी के अंदर इंटर हो चुके हैं और आप ये देख रहे हैं कि जैसे ये डायमंड फाइटर जो है ये यहाँ बैठी हुए। अब हम इनको यहाँ से पकड़ के सिंगल केज के अंदर अभी इसमें रखेंगे और फिर इनको सेपरेटली जो है इनकी पेयरिंग करेंगे। चलें आज हम आपको दिखाते हैं फिर अपनी वीडियो। अभी हम आपके सामने इस केज को रेडी करेंगे और रेडी करके फिर अभी हम इनके अंदर सिंगल सिंगल इनकी पेयरिंग कर देंगे। तो चलें आज आपको दिखाते हैं कि अपना किचन फटाफट से रेडी करते हैं और फिर हम इसको इनके अंदर छोड़। तो व्यूअर्स अभी हम अपने केज को रेडी कर रहे हैं। ये आपके सामने देख रहे हैं आप ये स्टिक्स हैं। अभी हम इन स्टिक्स को काट के इस साइज के इनके अंदर लगाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि रेडी करके इनके अंदर हम छोड़ते हैं। तो ये अब आपके पास इनके साइज की स्टिक्स हैं। मैं आपके सामने इसको और उसके बाद ही फिर आपको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। शायद आगे पीछे होता है तो फिर आपको लगाने में प्रॉब्लम आएंगी, बादों बाद इसकी छोटी जाएंगी, बादों बाद इसकी बड़ी होगी जो केज में नहीं आएगी, जिसकी वजह से आप कोशिश को लगाएंगे टाइट करेंगे आपका केज भी ख़राब होगा। इस बात का ध्यान रखें कि हर चीज़ आपके बिल्कुल परफेक्ट हो और बिल्कुल परफेक्ट लगी भी हो ताकि किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम ना। एक स्टिक से दूसरे स्टिक तक के बड़ आराम से उसमें ब्लाइंड कर सके, उसको प्रॉब्लम ना आए, डिस्टेंस ना हो, स्टिक के बहुत करीब ना हो, ऐसी प्रॉब्लम हमसे कोशिश करें कि इतना डिस्टेंस हो कि आराम से उसके अंदर वो ब्लाइंड वगैरह। अभी हमने आपके सामने इस केस में अभी हमने इसको रेडी किया स्टिक्स लगाई इसमें। अब हम आपके सामने इनके बॉक्स हैं जो हमने पहले से रेडी किए हैं और अब हम इनको बॉक्स दे रहे हैं ताकि ये केस हमारा कम्प्लीट हो जाए। और ये हमारा भाई है बस हमारे सारे जितने भी बर्ड्स थे उनका दाना पानी प्रॉपर इनका ख्याल रखता है और अभी आपके सामने ये पानी के फिल्टर वगैरह ये इनकी कंप्लीट कर रहे हैं केस को। और उसके बाद फिर हम आपको इनके अंदर सिंगल सिंगल पेयरिंग करेंगे डायमंड अपने फाइटर की और फिर आपको उसके अंदर दिखाते हैं सिंगल सिंगल पेयरिंग करके। Thank you.
हमारे पास। अभी हमने आपके सामने इनको सबको सिंगल सिंगल सेपरेटली पेयरिंग करके नहीं है छोड़ दी, आपके सामने केज भी रेडी करा और हमने आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट में कि हम इनको वहाँ से अवेरी से क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ ये प्रॉब्लम्स आ रही थी कि आपस में एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे थे इनके टेस्टिंग वगैरह के चलते, इसलिए हमने इनको सेपरेटली सिंगल सिंगल इनकी पेयरिंग करी। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और इंशाल्लाह ताला हम आपके चैनल से न्यू वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखते हैं।